नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी ऋषभ के साथ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आरएसएस ने महिला सम्मेलन संपन्न करवाया। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला, जो कि अपने नाम से ही पुरातन संस्कृति और इतिहास में संबंध रखने का एहसास कराता है, साथ ही साथ सामाजिक संस्कृति धरोहर और अन्य तरह के आयोजन के लिए माना जाता है, क्योंकि दुर्ग का अर्थ इतिहासकार बताते हैं कि राजा महाराजाओं की राजधानी होती थी, उसे ही दुर्ग कहा जाता था। यह आरएसएस का ही आयाम है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों का संगठन काम कर रहे हैं। सुख संपन्नता और विकास का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा ही राष्ट्र समृद्धि और गौरवशाली बना सकते हैं। आरोग्य भारतीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों का स्वयंसेवी संगठन है, जो कि भारतीय जीवन मूल्यों के आधार बनाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रचलित है और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के प्रति सम्मान के भाव के साथ सेवाभावी लोगों का संगठन कर स्वास्थ्य राष्ट्र के निर्माण में प्रसरित है। आरोग्य भारतीय स्वास्थ्य संस्था अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के लिए विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन कराते रहते हैं। वो रायपुर कबीर नगर में उनका 15 दिन का प्रबोधन था और उनको इतनी खांसी थी कि दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर ने उनको मना किया था बोलने के लिए। वो हमारे निवास आई, हमने उनको बोला क्या हमारे हाथ की बनी हुई औषधि का सेवन करेंगी, उन्होंने बोला हाँ मैं करूँगी। जो बीमारी उनकी एक साल से चल रही थी, 6 महीने से तो डॉक्टर ने बोलने के लिए मना कर दिया था। हमने एक तुलसी पत्ता, काली मिर्च, लौंग, अदरक और गाय का घी से एक चम्मच रस तैयार किया, जो सुबह शाम दोपहर 3 बार वो सेवन करती थी। और 250 महिलाएं टोटल मिला के अटेंड किए हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं महिला सशक्तिकरण में, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन घर में कैसे बनाना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे रखना, गर्भ संस्कार का ध्यान दिया गया कि गर्भ से पहले ही उन्हें, गर्भ आने के पहले ही चालू हो जाती है गर्भ संस्कार की क्रिया, इसका ज्ञान दिया गया, किशोरी विकास पे ज्ञान दिया गया एवं स्किल डेवलपमेंट महिलाओं का कैसे किया जाए, किशोरी विकास और उनके स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। दस्तक टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से विजय लक्ष्मी चौहान की रिपोर्ट। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।